नमामि धन्वन्तरि वादि देवं सुरासुरै वन्दित पाद पद्मम् लोके दधतं रुद्रघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजने प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। हमारे डॉक्टर नवीन जोशी सर बहुत प्यारे डॉक्टर हैं। हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि सर का जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो और हमारे मॉर्निंग सेशन शुरू हो। और सर कितना मोटिवेट करते हैं सभी लोगों को, तो हमें सर चाहिए, जल्दी ठीक होके चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो तीन लोगों को होस्ट बनाता हूँ और अभी हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करेंगे। आप लोग अपने अपने केसेस यहाँ पर बताइए और जिससे एक दूसरे को जो नॉलेज है वो और अपग्रेड हो। सबसे पहले मैं अर्चना मैम को यहाँ बुलाऊंगा। अर्चना मैम, आपने कोई केस देखा है तो कृपया बताइए। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, कोई केस देखा है तो बताइए। कुछ आप लोगों का कुछ बताना है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं ये प्लेटफॉर्म पे। डॉक्टर श्रद्धा भोसले मैम, आप कैसी हैं? डॉक्टर श्रद्धा मैम, Yes, good evening, sir. I am fine, sir. Thank you. आप अपना अनुभव बताइए, सभी लोगों को शेयर करिए। Yes, yes, मैं बताती हूँ। प्रणाम सभी को। मैंने सर से ना मेलाज्मा के लिए ट्रीटमेंट लिया था, तो फर्स्ट मंथ में द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ मुझे सारे मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। जो भी मेलाज्मा के स्पॉट्स है पूरे गए नहीं, बट काफी लाइट हो चुके हैं। तो मैंने सर से एंड अभी सेकेंड मंथ का ट्रीटमेंट में ले रही हूँ। अभी लेट्स सी कि आपके पास मैम पहले वाला फोटो और अभी वाला फोटो है क्या? क्योंकि मैंने भी नहीं देखे पहले कितने थे मिलाज्मा और अभी एक महीने के बाद कैसे हैं। वो आप अगर ग्रुप में भेज दें तो भी चलेगा, नहीं तो यहाँ। हाँ, मैं भेज देती हूँ सर। जो डिफरेंस मुझे दिखाई दिया ना सर, पहले जैसे बहुत ही डार्क थे वो काफी लाइट हो गए और चेहरा बहुत ही प्लेन हो गया सर जी। एक बार फोटो भेजिए और मैंने क्या दिया वो मैं बताता हूँ। पहले आप ग्रुप में डालिए मैम, ताकि दूसरे लोग को भी थोड़ा सीखने को मिले। और क्या क्या दिया था वो मैं बताता हूँ। मैं ठीक है, मैं ग्रुप में क्या फोटो डालू सर, क्या डालू ग्रुप में? भी अगर आपके मोबाइल में तो आप यहाँ भी डाल सकते हैं। मैं को होस्ट बनाता हूँ, यहाँ डालने आता है आपको? कैसे करते हैं? नहीं सर, अभी का फोटो मैंने नहीं निकाला सर, जो पहले अभी का कैसे सेल्फी निकाल लीजिए ना, समझ तो आ जाएगा। अभी तो लाइट कम होगी ना सर। आप करिए, फिर मैं बाद में ट्रीटमेंट बताता हूँ क्या क्या मैंने दिया था, ताकि आप लोग भी मिलाज्मा के पेशेंट को ठीक करें। मैम आप करिए, तब तक हम दूसरे से बात करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। और आदित्य सर, आपके पेशेंट लोग कैसे हैं? पल्लवी मैम कैसी हैं? सर वो पल्लवी की तबीयत ठीक नहीं है, आज वो यूरिन पास नहीं हो रही थी, अभी मेरे को पता चला तो हॉस्पिटल गए वो। आप एक बार उनको लाइए ना, हम बात करते हैं ना। हाँ सर, अभी हॉस्पिटल में गए, मैं फोन करता हूँ। और वो भाटिया मैम का और वो तीसरे मृत्युंजय जी का, उनका भी बताइएगा। हाँ सर, ठीक है, थैंक यू सर। और सुनीता मैम आप कुछ बताइए। सुनीता मैम बहुत ही इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं।
सुनीता मैम आप कोई पेशेंट का बताइए, अर्शिया मैम बताइए, गीता पटेल मैम बताइए। आज शशि मैम कुछ बोल नहीं रही हैं। शशि मैम खाना खा रही है क्या? खिलाइए गुड इवनिंग सर, अभी मैं एक्चुअली मैं इन लोग को खिला रही हूँ, मैं बस खिलाइए, खिला ठीक कर बात करती हूँ सर। जी है सर, थैंक खिलाइए, यू सर। अच्छे से खिलाइए पहले, ठीक जी है। सर, हाँ थैंक यू वैद्य सर। जितेंद्र मिश्रा जी, आप लास्ट लेक्चर में जुड़ नहीं पा रहे थे। मिश्रा जी सुन पा रहे हैं क्या? हाँ प्रणाम सर सभी को। ओ हाँ पेशेंट का क्या हुआ जिनका ST वे वो था, एलिवेशन था, सर, उनको गमन कराया, अच्छा कैसा हुआ, क्या क्या हुआ? हुआ, लेकिन मध्यम ही हुआ सर, पित्त बहुत कम निकला, लेकिन हाँ निकला, लेकिन कफा जी हुआ ज्यादा। अच्छा तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना? नहीं, कोई दिक्कत बाद में ECG कराए उसके बाद? इसी अभी तो नहीं कराया, अभी तो अच्छा परसों, कल ही कराया, 26 को कराया था कल। जी, तो मतलब पेशेंट ठीक है क्या, स्वस्थ है? पित्ता कफांतकी हुआ? हाँ कफांतकी हुआ, पेशेंट ठीक है सर। और उनको व्याधि क्या था, क्या प्रॉब्लम था? उनको सोरायसिस था ना सर, अच्छा तो उसमें पित्त नहीं निकला थोड़ा भी? पित्त निकला सर, लेकिन कम निकला सर, कब निकला? अच्छा ठीक है, क्योंकि उनको मुझे 2 बार कराना पड़ेगा, 5-6 महीने बाद फिर एक कराना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, आपको जो सही लगता है वो करिए। और ठीक है, उनका वो सूख भी रहा है ठीक ना, क्योंकि उनके दोस्त काफी ज्यादा हैं सर, क्योंकि उनका प्रतिबंध की भी शिकायत है, पेट में भी काफी कॉन्स्टिपेशन है, बस्ती देने के बाद भी ना, वैतरण बस्ती के बाद भी उनको पेट में काफी। तो अच्छा बेग भी आए थे, 4-5 बेग भी आए थे उनको जी ठीक ना, तो उससे उससे पित्त निकला था सर, येलो येलो पित्त ठीक ना। जी उनको बुलाऊं क्या, हम बुलाए ना। पूछता हूँ देखता हूँ। सर पिताजी को जी बुलाऊं क्या, बोलते पिताजी का भी वो हिस्ट्री लेनी थी, जी देखता हूँ। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तब तक मिश्रा जी लाइए आप सबको, ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आयुष दर्पण का प्लेटफॉर्म सभी के लिए ओपन है, कोई बताइए पूछिए। सर ये जो बटांकुर बताए हैं सर, हाँ तो अभी ग्रुप में डाले हैं मैम ने, ये हाँ बटांकुर मतलब उसके जो रूट है उसके अंकुर ना। अभी वो मराठी में वड़ांचे परव्या वो बोलते हैं, जो हाँ रूट सर, वो जो निकलते हैं रूट रूट का निकला हुआ नया नया वो निकलता है ना, उसको हम दोनों का यूज बटांकुर होता है, कहते हैं। अपने आयुर्वेद में दोनों का प्रयोग होता है, जो रूट से निकलता है वो भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, दोनों का रिजल्ट अच्छा आता है, जी, मत मत अंतर है लेकिन दोनों का रिजल्ट आता है। हाँ सर, ये पुंसवनों में भी देते हैं, तो कितना आयुर्वेद कितना गहन पहले होगा इसका अध्ययन, कि जी बच्चे के इंटेस्टाइन का जैसे फॉर्मेशन हो रहा, तो ये तीसरे मंथ में जो पुंसवनों करते हैं जी संस्कार, तो उसमें बटांकुर, पीपल का अंकुर और गिलोय और निम्ब, जी इन सब जी का बना करके स्वरस और जी गर्भिणी को अवघ्राण करके और पान कराते थे, कराती भी जी हूँ मैं, भी कराती हूँ कुछ संस्कार में। तो जी कितनी इतनी बड़ी विज्ञान है ये, जी जो मस्तिष्क की जब चेतना जागृत होती है 5वें महीने में, तो उसमें ब्राह्मणी का प्रयोग, इसमें इसका जी प्रयोग, तो वो सब चीजों को जैसे हम भूलते चले गए, इसीलिए आजकल इतनी बीमारियां और इतने सारे प्रॉब्लम आने लगे हैं। जी और आयुर्वेद तो जैसे 9 मासिक की जो चिकित्सा है उसको ही परिपूर्ण तरीके से अच्छे से किया जाए, और जी गर्भिणी उस भाव से और उस मनोयोग से करे, तो जी आज भी वैसे ही रिजल्ट है सर, और जी बच्चे स्वस्थ हैं, हंसते पुष्ट हैं बिल्कुल। जी ठीक है। अभी हमने एक बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, जो मतलब प्रोफेसर हैं, डॉक्टर सविता लांजेवार मैम, जो नागपुर की हैं। सविता मैम अगर आप सुन पा रही हैं तो हमें कुछ बताएंगी। डॉक्टर सविता लांजेवार मैम आप अपना कोई अनुभव बताएंगी, शेयर करेंगी हमारे प्लेटफॉर्म पे। मैम अगर अब तक हमारी आवाज आ रही है, डॉक्टर सविता लांजेवार मैम, बहुत सारे लोग शर्माते हैं, बताते नहीं है अपना नॉलेज, हम लोग देखिए बिंदास हो गए, सब बताते हैं, सब शेयर करते हैं। मंदाकिनी मैम आपका स्वागत है, आपको ये अपना केस बताइए मैम।
सर मेरा केस बताऊं, हाँ बताइए। मेरे पास एक दो तीन केस हैं सर। एक सिस्ट का है, जी और तो अभी तो उसको दवा चल रही है लेकिन वो बीच बीच में छोड़ देती है, फिर उसको हजार बहाने रहते हैं। लेकिन उसको पहले से आराम हो गया, फैटी लीवर भी है साथ में सर। तो जी अभी दर्द वगैरह में आराम है, अब अगले महीने कराएंगे अल्ट्रासाउंड। और एक पेशेंट है अभी, उसको अलर्जिक राइनाइटिस था, साथ में उसको कल फिर छिद्र श्वास टाइप का डेवलप हुआ। तो जी फिर मैंने उसको श्वास उठार रस दिया है खाने के लिए, और जी एक विरेचन भी दिया था खाने करने के लिए। तो अभी उसको आराम है, लेकिन मैंने बोला घी लेने के लिए, तो वो घी ले नहीं रहा है। तो आज जी मैंने उसको बोला है कि आप थोड़ा सा कम हो जाए तो फिर आप आइए, हम आपका विरेचन करा के फिर आपको नस्य देंगे और फिर दवा चलाएंगे। अभी जी तो सर अभी इतना ही है। तो असर मैं इस केस में, जैसे कि जो ऐसे पेशेंट है, मतलब छोटा ही है, मतलब क्षुद्र श्वास ही है, तो इसमें विरेचन हम मतलब किससे देंगे सर? मतलब क्यों, और त्रिवित्रयम नहीं, से दे सकते हैं आप, मात्रावस्ती दे सकते माँ हैं। वो घी घृत तिक्त पंचतिक्त घृत यूज करेंगे। हम तो जमदग्नि सर के परंपरा वाले, हम तो सादा घी ही खिलाते हैं, बाकी आप कंटकारी घृत, महातिक्त घृत जो देना सर चाहें। इसने हम मतलब जब हम विरेचन देंगे ना, तो स्नेहन के लिए पूछ रही थी मैं। हाँ तो हम, मैं जो हूँ, मैं अपने सर के परंपरा का हूँ, तो हम लोगों को सिखाया गया है कि नॉर्मल घी ही देना चाहिए, बाकी सर लोग वो मेरा तो नॉर्मल ही ऐसे तो खा नहीं रहा, तो फिर मैंने कहा कि तुमको ऐसे नहीं लड्डू खाया जा रहा में है। जो प्रविचारणाएं बताइए ना, स्नेह की हाँ प्रविचारणाएं, लड्डू में, खिचड़ी में, खीर में, सेवई में, कैसे भी। अच्छा, तो फिर वो स्नेह सिद्धि लक्षण सर उसमें आ जाएगा उसको? तो क्यों, घी तो खिला रहे हैं ना, तो स्नेह सिद्धि का लक्षण क्यों नहीं आएगा? ऐसा कितना सर खिलाएंगे? वो एक चम्मच खाने में तो उसकी एक जान चम्मच जा रही क्यों है। डालेंगे, ज्यादा ज्यादा डालिए, जैसे हाँ दूध वही तो, है। एक चम्मच खाने में तो उसकी जान जा रही है, तो वो ज्यादा ज्यादा कैसे खाएगा सर वो? आप घी में पकोड़ा बनाइए, पूरी बनाइए, मालपुआ बनाइए। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। सर कॉन्ग्रेचुलेशन नवीन सर के, नवीन सर का तो मैंने आज वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा सर देख करके, और सर को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, जल्दी रिकवरी करने के लिए सर। जी सर बहुत आपके ऊपर हमें गर्व है सर। हमें आप पे गर्व है कि आप लोग इतना बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, और सभी वैद्य लोग में इतनी गुड क्वालिटी है ना यहाँ पर। मैं, आप लोग जो केस बताते हैं क्लासिकल एकदम, क्या दिमाग लगा के, अभी कंचन मैम ने देखिए कितना बढ़िया बढ़िया बताया एक्सपीरियंस, मनीषा मैम ने कितना बढ़िया बताया, सब लोग का क्या मतलब अनुभव है, और क्या पेशेंट पे आप लोग रिसर्च करते हैं, इतना बढ़िया है, और शेयर भी करते, छुपाते नहीं अपना नॉलेज, ये सबसे बढ़िया है। ठीक है, अभी कंचन मैम का सुने, कंचन मैम आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करिए, आपका कोई अनुभव आया होगा अभी, कोई पेशेंट का न्यू अनुभव। जी सर, आज के ही पेशेंट का मेरे ओपीडी में आया था, उसके मदर को लेके आया था। एक्चुअली जी मदर को कैंसर हुआ है थायराइड ग्लैंड का, तो उनको लेके आया था वो। पर मैंने उसको 1 साल पहले देखा था, अभी जो नया सेंटर ज्वाइन किया हुआ है ना, 1 साल हो गया उसको। तो वो 1 साल पहले मेरे पास आया था, तो उसका लेफ्ट नी का मिनिस्कस टेयर हो गया था, तो उसे फोल्ड करना, पैर सीढ़ियों से चलना सब मुश्किल था। तो इस बार आया था वो मदर के साथ, तो मैंने देखा तो वो एकदम नॉर्मल तरीके से चल के मेरे पास आया। तो मैंने उसे पहचान लिया और उसको पूछा कि आपका पैर कैसे है, तो मुझे लगा सबसे पहले कि वो पैर के लिए आया होगा, पर बोलता है मैं बाद में बात करता हूँ, इस पे मम्मी का देख लो। मम्मी का उसके होने के बाद ना, मैंने उनको फिर पूछा कि आप कैसे हो, आपका पैर वगैरह कैसे है? तो वो मुझे बोला मैम ये तो आप मतलब चमत्कारी हो गया कि ये मुझे सर्जन ने सर्जरी बोला था, क्योंकि बिल्कुल भी वो पैर फोल्ड ही नहीं हो रहा था, उनका चलना मुश्किल हो गया था, यंग एज पेशेंट एकदम। मैं वीडियो भी डालती हूँ उसका अपने ग्रुप में, तो वो सर बिल्कुल रिकवर कर गया पूरा 100%। और जी मतलब ऐसे भी नहीं कि वो साल में फिर से उसको रिकरेंस ही हुआ या कोई तकलीफ हुआ, वो पूरा 100% ठीक हो गया सर। और बहुत सिंपल मेडिसिन मैंने यूज की थी, जैसे हम बृहदवा चिंतामणि, प्रवाल पिष्टी, गिलोय सत वहां पे दिया था मैंने, लाक्षादि गुगुल दिया था थोड़ा मुझे उसमें, जैसे कि वात पित्त वाले सभी सिम्टम्स थे, मैंने कामदूधा वगैरह डाला था, जैसे मुझे लग रहा था कि वात रक्त टाइप पेशेंट जा रहा है, तो मैंने वहां पे केशोर गुगुल भी ऐड किया था। और जैसे
कल का ही मैम का जो तृप्ति मैम ने बताया था ना कि हम पूरा रीजनरेशन कर रहे हैं घुटनों में, तो मैंने ये एक अच्छा अनुभव मिला मुझे आज की। मैंने इसमें बिल्कुल सिंपल मेडिसिन से और बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया था तो भी ये पेशेंट रिकवर कर गया सर। मतलब हम अगर ये धारा वगैरह जो मैम बता रहे थे तो ओल्ड एज पेशेंट में भी बहुत अच्छे से रिजल्ट दे सकते हैं सर। जी सर मैम उसके लिगामेंट टेयर हुआ था लेफ्ट नी का। हाँ वो एमआरआई लेके आया था उसमें भी वो टेयर बता रहा था और वो खुद भी बता रहा था क्योंकि फोल्डिंग नहीं हो रहा था पैर और यंग एज पेशेंट है कुछ गिरने की वगैरह भी नहीं थी। तो मैंने पूछा भी कि कोई मतलब गिरने की वजह से बहुत बार ये होता है कि मेनिस्कस वो पूरा फट जाता है, पर वैसा भी कोई नहीं था। डीजनरेशन ही हो रखा था उनके बॉडी में क्योंकि मैंने पूरे हेतु निकाले थे तब कि वो जागरण कर रहे थे, एक आईटी में काम कर रहे तो एक ही जगह पे काम करना, वेगो का धारण करना वगैरह सभी हेतुओं को हमने सब बंद करा के फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मतलब वो पेशेंट तो आया ही नहीं मुझे बताने के लिए कि मैं ठीक हो गया करके। आज तो मदर को लेके आया था इसलिए फिर मुझे पता चला कि वो पूरा 100% ठीक हो गया करके। आपने कितने दिन की ट्रीटमेंट दी थी मैम? मैंने उसे 3 महीना ट्रीट किया था मैम। 3 महीना पूरा 3 महीने के बाद वो आया ही नहीं मेरे पास। ओके बहुत अच्छा मैम, कांग्रेट। यस यस मैम। किसी को लगता होगा कि मैं ऐसी बता रही पर मैं वीडियो नहीं 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 बिल्कुल आप इतना एक्सपीरियंस है ऑलरेडी आप अच्छा ही बता रहे हो। आप लोग देखना मतलब उसको मैंने हाँ क्योंकि मैं उसको देखने के बाद ही पहचान गई थी तो वो मदर को लेके आया था पर तो उसको इतना विश्वास था मेरे पे कि आपने मुझे ठीक किया है तो मेरी मदर को भी आप ठीक कर सकते हो ऐसे इसलिए वो लेके आया था। ओके मैम थैंक यू मैम। ठीक है और डॉक्टर श्रद्धा भोसले मैम आपने जो ग्रुप में भेजा हुआ है उस पे थोड़ा प्रकाश डालिए अपना कि क्या एक्सपीरियंस है वो बताइए और बाकी लोग देखिए श्रद्धा मैम ने क्या डाला है। हाँ जी सर, जैसे लास्ट 1 मंथ से मैं आपसे ट्रीटमेंट ले रही थी सर, मैंने सब कुछ फॉलो किया, पथ्य इतना बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाई, थोड़ा सा बीच बीच में अपथ्य होता था। तो और दूसरा मैं विथ योर मेडिसिन में एक लेप भी लगाती थी सर वर्ण द्रव्यों का और उससे 1 मंथ में वो रिजल्ट दिखाई दिए सर काफी, मतलब आई कैन से कि 50% मेरे मार्क्स कम हो गए और चेहरा भी प्लेन हो गया। मतलब खड्डे खड्डे भी भर रहे हैं ना? हाँ खड्डे भी भर रहे हैं एंड वो जो मेलाज्मा के दाग थे ना सर बहुत लाइट हो गए, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेलाज्मा हाइपर पिगमेंटेशन ना ये तो इतना कि वो जबरदस्त वाला है कि कभी निकलने का नाम नहीं लेता है। आई नेवर थॉट कि आयुर्वेद से इफेक्ट आ जाएगा। आप अभी लाइट में बैठी हैं क्या? हमें देखना है अभी अभी दिखाई देगा। हाँ मैं लाइट में हूँ सर, मैं वीडियो ऑन। आप वीडियो ऑन करिए और आप देखिए और पहले वाला देखिए आप लोग जो ग्रुप में है। पहले वाला मैंने जो आपको डाला था वो तो डाला है सर ग्रुप में। ग्रुप में हाँ अभी आप साइड से ऐसे दिखाइए अपना फेस, देखिए मंदाकिनी मैम कंचन मैम इनका देखिए पूरा मेलाज्मा क्लियर हो गया। एक मिनट में लाइट में आती हूँ सर। हाँ जब ये मैम आई थी ना खड्डे खड्डे भी थे और पूरा ऐसे हाइपर पिगमेंटेशन था पूरा और इधर का भी काफी कुछ गया। किस वजह से हुआ था ये? ये मे बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस थे, मेरी खुद की इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट चल रही थी, काफी आईवीएफ हो चुके थे तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल हार्मोनल ट्रीटमेंट की वजह से आई डोंट नो बी ऑल सब रीजंस मिलके आ रहे थे ना आपको कुछ एक्ने पिंपल्स? हाँ पिंपल्स भी आते हैं बीच बीच में। अच्छा तो ये उसकी वजह से मार्क्स नहीं है ना ये? नहीं पिंपल्स का एक दो मार्क है जो अभी पिंपल्स बहुत बढ़ गए थे उसके कारण, बट मेलाज्मा का तो मेरा लास्ट 6-7 ईयर से है। ओके ओके तो लेप में क्या लगाया आपने? लेप में मैंने सर से पहले जमदग्नि सर को दिखाया था तो दैट टाइम ही गेव मी कामेश्वर लेप करके, तो उसमें क्या कंटेंट है वो मुझे नहीं पता, अरविंद सर को ही पता। वो मैं बताऊंगा और मैंने क्या दिया है, मैंने एक तो आम पाचक वटी दिया, आम पाचक वटी से अग्नि अच्छा हुआ ना आपका मैम? हाँ जी हाँ जी, मैं तो दो ही नहीं थी बट सुपर्ब सर, आम पाचक वटी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। फिर मैंने आम पाचक वटी दिया, रस पाचक दिया, रक्त पाचक दिया,
ताप्या दिलाओ दिया, फिर वर्णगन की गोली दी, महागंधक रसायन दिया, फिर उसके बाद में अभी महागंधक दिया, पहले नॉर्मल गंधक रसायन दिया था, फिर सूक्ष्म त्रिफला दिया था और एकेटी दिया था, इससे ही फायदा हो गया। और मैंने वो पाउडर, सर मेरा रेगुलर लेना नहीं हुआ। पाउडर में चंदन और हल्दी, हल्दी था, शुद्ध चंदन और शुद्ध हल्दी, ये दो ही चीज था सर। वो चंदन में रक्त चंदन है या व्हाइट व्हाइट वाला सफेद श्वेत चंदन है? ओके ओके जी, आप खुश है ना मैम, और आपके बजट में दिया, बस आप खुश होना चाहिए, पेशेंट सेटिस्फाइड। तो हमारा, मैंने बोला था 4 महीना में, तो 1 महीना में आप खुश है ना, तो बस आपका पूरा। हां जी सर, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले सर मुझे जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और वो हमारी गरिमा पांडे मैम कैसी हैं? गरिमा पांडे मैम आप क्या बताएंगी, आपको क्या फायदा हो रहा है अग्नि में वगैरह में? हाँ जी सर, सर आम पाचक वटी जैसा कि अभी मैम ने कहा, बहुत अमेजिंग है आपके अग्नि में, तो डेफिनेटली फायदा हुआ है, इतने एपेटाइट में। आप अपना वीडियो ऑन करके दिखाइए ना, क्या ऐसे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि नहीं? मैं ड्राइव कर रही हूँ, वैसा बच्चे बैठे हैं इसलिए। ठीक है, बाद में बाद में। मतलब आपको फायदा हो रहा है कि नहीं पहले ये बताइए। सर स्किन का फायदा होने में तो आई थिंक टाइम लगेगा, अभी तो कितना 3-4 दिन के हुए हैं, 1 हफ्ता मान लेते हैं शुरू किए। और आप बोलती थी अग्नि मंद है, भूख नहीं लगती है, ऐसे कुछ कुछ बता रही थी यार। जी सर, तो अग्नि मंद तो लग रहा है बिल्कुल खत्म हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, भूख लग रही है, खाना खाने का मन हो रहा है जो कि बिल्कुल बंद हो गया था पहले जी। और जो हल्की हल्की मेरी नेक पे, मैं आपको बता रही थी ना कि इचिंग रहती है जी, तो वो 50% कम हो गई है 1 ही हफ्ते में जी। तो ठीक है मैम, अभी यही और जी। आप सर? सारी दवाइयां भी तो नहीं खा रही हैं, आप बोल रही थी सब दवाइयां नहीं खाऊंगी अभी नवरात्रि में। सर अभी भूख लगना शुरू हुई, अगर दवाएं सारी खा लेती हो तो फिर खाना नहीं खा सकती, 36 गोलियां सर। हाँ वो तो बात है। हाँ जी ठीक है, आप नवरात्रि की बात करिए। और वो जो पाउडर है वो जी सर क्या बोल रही है पाउडर का? हाँ सर, उसका पाउडर का टेस्ट तो मतलब खुशबू तो बहुत ही अच्छी है, जो येलो वाला जो पाउडर है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है और खुशबू भी बहुत। आपको मैंने चंदन सर, सारीवा और हल्दी डाला है, सारीवा डाला है उसमें, गोपी चंदन सारीवा। जी सर, हाँ जी, और सर इतना अच्छे से पानी में घुल जाता है ना, मुझे यही डाउट था कि पता नहीं उसको कैसे 2 टेबल स्पून को कैसे खाए, हनी के साथ अनुपान क्या रहेगा, लेकिन वो पूरा पानी में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, तो इजीली लिया जाता है, तो बहुत ही अच्छा है। हाँ तो आप भी हमें, और सच बताएगा, फायदा नहीं भी होगा तो बोलेगा नहीं फायदा हुआ, अगर होगा तो बोलेगा हाँ फायदा हुआ। नहीं बस सर, मैं तो सोच ही नहीं रही हूँ कि नहीं होगा फायदा, हो गया ही होगा आपके एक्सपीरियंस। जी सर ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। और बाकी लोग भी अपने अपने एक्सपीरियंस कुछ बताइए, किसी ने कुछ दवाई दिया अच्छा रिजल्ट आया कुछ बताइए। गीता पटेल मैम आपके पेशेंट में क्या रिजल्ट आया, आपने जो दवाई दिया था अंजना मैम से पूछ के? गीता मैम, अंजना मैम आई हैं, आपको पूछना है बताना है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? मीनू बत्रा मैम आपको कोई केस पूछना है बताना है क्या यहाँ पर? सर वो मृत्युंजय कुमार थे ना जिनको लिवर मेटास्टेसिस थी और हाँ सर सर उनको एक्चुअली हम दे रहे थे सर, वो पित्त शामक द्रव्य दे रहे थे जो आपने बोला था, अभी उनको एक्चुअली ब्लीड कंटिन्यूस था तो, और ब्लीडिंग के कारण हीमोग्लोबिन गिरा है, 5 हुआ है तो, और ब्लीडिंग का डिहाइड्रेशन भी हो गया था, मतलब यूरिया बढ़ गया था, सूख गया था, तो अभी ICU में वो भी एडमिट है, उनके पास पैसा नहीं एक्चुअली में, तो बेंडिंग और स्कोपी वो मतलब ईसोफेगोस्कोपी से बेंडिंग वेराइसिस में लगाना शायद ना कर पाए। तो सर आप एक बार मुझे रिपोर्ट भेजिए, मैं वो केस को ठीक कर दूं क्या? हाँ सर बिल्कुल सर, भेजता हूँ भेजता हूँ। ठीक है, वो थोड़ा केस अधूरा नहीं होना चाहिए, पूरा अच्छे से केस टेकिंग करके फिर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ सर मैं पूरा सब डिटेल भेजता हूँ। ठीक है, थैंक यू। और डॉक्टर नवजोत कौर मैम आपके पेशेंट कैसे ठीक हो रहे हैं आप बताइए मैम सबको, आप कितनी इंटेलिजेंट है मैम नवजोत कौर मैम। सर सर प्रणाम सर सभी को। हाँ जी सर ठीक है, बहुत बढ़िया रिस्पांस आ रहा है, जिनको भी मेडिसिन दे रही हूँ सर, आपने बहुत अच्छा सिखाया।
क्या कैसे अच्छा कैसे लगा। बताइए ना मैम, सब बताइए ना। सर ऐसे है, थोड़ा जॉइंट पेन्स के ज्यादा है मेरे पास, जैसे पेशेंट जो भी है उनको जैसे देखती हूँ मैं ये गूगल वगैरह, तो सेनाथ गूगल, त्रिफला गूगल, इससे अच्छा रिस्पांस मिलता है। और भी जैसे आरोग्य वर्धनी, लहसुन आदि वटी, ऐसे सर। और कुछ स्किन का, एक मेरी फ्रेंड ही है वो तो BMSC करी थी, मेरे साथ में रूममेट ही है, बट वही जैसे पहले मैं नहीं करती थी कुछ भी, तो वो भी अभी आयुर्वेद तो नहीं करती है, तो उसको भी स्किन की और ऐसे ग्रैनी दुष्टी वगैरह थी सर, ऐसे। अच्छी चल रहे हैं सर, कुछ पेशेंट तो घर के ही है। आप क्या देती हैं वो तो बताइए, अपना सीक्रेट नॉलेज शेयर करिए। आप नहीं, सर जॉइंट पेन में सीक्रेट क्या नहीं, देती हैं? आपसे ही जो मेडिसिन मंगवाई हुई है, एक तो पाचक सारे मंगवाए हुए हैं मैंने, वो भी देती हूँ, और आरोग्य वर्धनी, लहसुन आदि वटी, ऐसे परवाल, कामदुदा, ऐसे सर अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे पेशेंट आते हैं। और सर घर में भी मैंने अपनी बेटी को, मेरी छोटी बेटी जो +2 में थी, उसको था ऐसा 7-8 महीने पहले, जैसे भूख नहीं लगना, उल्टी की फीलिंग, नौजिया, ऐसे, तो हेयर फॉल काफी था सर उसे हो रहा, थोड़ी पीरियड्स की रहती थी, कई कभी ज्यादा कभी कम, तो उसे भी सर मैंने ऐसे जैसे आम पाचक, रस पाचक थोड़ा बीच में चेंज कर करके दिया, तापे आदि लो, और फिर जो लघु सूर्य शेखर वगैरह, ऐसे परवाल, परवाल पिष्टी दी, कभी परवाल पंच अमृत दिया। और सर उसे मैंने आपका जो खीर बला का नस्य तो देती हूँ, तो वो सर मैंने उसके हेयर में भी लगाना शुरू किया, तो सर जिस दिन मैंने रात को लगाया, नेक्स्ट डे उसने वॉश किया, तो सर उसी दिन से उसका हेयर फॉल नहीं हुआ। बाकी अस्थि मज्जा पाचक भी उसका चल रहा था, बट तेल लगाने से तो इंस्टेंट ही जैसे उसे अच्छा हुआ। तो अब एवरी वीक, मतलब जब भी सिर धोती है तो मैं पहले लगा देती हूँ खीर वाला, वो खुद ही कहती है वो वाला ऑयल लगा दो, सर उसका मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला बेटी में। तो भूख वगैरह, पहले खाना ही नहीं खाती थी, अब भूख लगती है अच्छा। तो क्या रस पाचक से इतना बढ़िया फायदा हो गया? तो जैसे रस पाचक, तापे आदि लो, आरोग्य वर्धनी, बीच में जब खाना खाती रहता था कि हैवीनेस लग रही है, तो लहसुन आदि वटी, ऐसे कॉन्टिन्यूसली नहीं दे रही, जैसे बीच बीच में शुरू में 1 हफ्ता 10 दिन दिया, फिर थोड़ा चेंज किया, थोड़ा खान पीन में भी किया उसका, तो सर उसमें मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया जी। ठीक है, एक ना पुणे की बहुत अच्छी डॉक्टर है, उनका नाम है डॉक्टर अनुश्री अपरमार्जने। तो अनुश्री मैम आपका स्वागत है, अगर आप सुन पा रही हैं तो आप अनम्यूट करके हमसे बात करिए मैम। मैं डॉक्टर अरविंद पाठक, वैद्य अरविंद पाठक आपको बुला रहा हूँ। अनुश्री मैम माजा आवाज ये तय का मैम, शायद मैम तक आवाज नहीं जा रही है सर। हाँ जी बोलिए मैम। आप तो खीर वाला तेल का एक मैंने भी किया प्रयोग। क्या कल मैं खाना सफाई कर रही थी किचन की, तो छोटी छोटी चींटियां नहीं होती उड़ने वाली मोटी मोटी सी, हाँ। पता नहीं वो चींटियां थी कि क्या था, वो मेरे को इतना काटा उसने गले में, मेरे को समझ में नहीं आया। फिर मैंने ना पूरे के पूरे ऐसे लाल 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 जैसे नहीं अटी गहरी हो जाता उस टाइप के, मेरे पूरे दांत दांत से उड़ गए। फिर मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या लगाऊं, फिर मैंने वही घी भी लगा ली, उससे भी मुझे आराम नहीं पड़ा। फिर मेरे पास शायद बहुत ग्रित रखा था, वो भी मैंने लगाया, उससे मुझे आराम पड़ गया, लेकिन वो शायद बहुत ग्रित पता नहीं मैं कहाँ करके भूल गई। अब उससे क्या हुआ कि वो दौरे तो चले गए, लेकिन इतनी खुजली हो रही थी मेरे को, खुजली में मुझे आराम नहीं पड़ा था। फिर मैं आपका अणु तेल डाल रही थी, वो आपका वो छिरवा तेल डाल रही थी, वही मैंने उठा करके अपने पूरे गले में लगा लिया सर, वो पूरी खुजली भी गायब हो गई सर, बहुत अच्छा है सर ये तेल। कौन सा तेल बोला मैडम आपने? सर का छीर वाला तेल जो 101 आवर्ती वाला है ना वो, हाँ वो मतलब मैम उसको यदि हेयर में लगाते हैं ना तो इतना अच्छा कंडीशनिंग हो जाता है और शाइनिंग भी आती है हेयर में। अच्छा। इतना सॉफ्ट है ऑयली और इतना सॉफ्ट है कि मतलब जैसे हम नीली बिरंगी और ध्रुपत आदि वगैरह देते हैं ना पेशेंट को, तो वो थोड़ा स्मेल भी आता है और हैवी हो जाता है, बाल थोड़ा सा उसमें चिपकते हैं, और ये तो एकदम कंडीशनिंग रहते हैं। थोड़ा सा लगाइए, खुद भी लगाइए रात में थोड़ा बैग में, और उसमें फोरहेड में जैसे अभी बाल बहुत ज्यादा निकल जा रहे हैं लोगों के, कोविड के समय से हेयर फॉलिंग बहुत बढ़े हैं, तो नस्य के साथ में थोड़ा सा इसको भी दे देती हूँ मैं छोटे एक बोतल में, इसको लगाई तो बहुत शाइनिंग आते हैं इसमें। पर मैं शॉक्ड हो गई, मतलब वो ना सच बहुत कुछ पता नहीं कहाँ रख के भूल गई मैं,
मैंने कहा सर ये ऑयल तो गजब का है और मैंने वस्ती भी दिया है इसमें पेशेंट को, और तो उसमें बहुत ज्यादा वैल्यू, हालांकि थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है लोगों को लगता है, लेकिन जब उनको रिजल्ट मिलता है ना मैम, तो वो फिर ले रहे हैं, मांगते हैं, डिमांड करते हैं। बहुत ही बढ़िया ऑयल का तो जी मैम, इसकी बस्ती से भी हेयर फॉल में बहुत फर्क हाँ, हेयर फॉल में भी, और उनके हाँ वायु का अनुलोमन बहुत शीघ्र करता है उनको, गैस पास वगैरह बहुत जो ऊर्ध्वगत रहते हैं अधोगत आकर के, और वायु का फास्ट अनुलोमन करता है। मैम ये तो मैंने खुद लिया, ले सकते हैं क्या दूध में डाल के? हाँ ले सकते हैं मैम, इसकी तो जेल कैप्सूल भी आती है, छीर वाला 101 की कैप्सूल बन के आती है, तो इसको तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं सर। होगा ना इसी को डाल दें दो तीन बूंद तो। हाँ इसको आप ठीक है मैम, आप पहले अनुश्री मैम से मिलिए, डॉक्टर अनुश्री मैम, वैद्य अनुश्री मैम, अगर आप सुन पा रही हैं, आपको हिंदी में बोलना पड़ेगा, मैं आपको पूरे इंडिया के जितने भी वैद्य हैं सबसे मिलवाता हूँ। अनुश्री मैम आपको आवाज आ रही है क्या? मैम पुणे की बहुत एक बड़ी डॉक्टर है। तुमसे आवाज आ रही है, प्लीज हिंदी में बोला, प्लीज हिंदी में बोला। हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है ये मैडम। नमस्ते नमस्ते अनुश्री मैम, आपका स्वागत है, ये पुणे की बहुत बड़ी डॉक्टर हैं और ये मैम कुछ बताएंगी आयुर्वेद का बारे में। मैम अगर आप वीडियो ऑन करके बोलना चाहती है तो बोल सकती हैं, वीडियो ऑन कर रही है। हाँ मैं बोलूंगी, मैं अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ। किस विषय पे चर्चा? जी आप अपने बारे में बताइए पहले मैम, आप कौन है ताकि सब लोग जाने, यहाँ पे पूरे भारत के लोग जुड़े हुए हैं, सारे वैद्य लोग। मैं वैद्य अनुश्री अप्पा मार्जने पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी 24 इयर्स मेरे प्रैक्टिस को हो रहे हैं। मोस्टली आयुर्वेद ही प्रैक्टिस करती हूँ मैं। जी और आपको एक केसेस बताइए जो आप शेयर करना चाहते हैं पूरे भारत को, सब रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब में भी जाएगा, आप अगर कुछ बताना चाहती हैं शेयर करना चाहती हैं तो सब लोग सीखेंगे आपसे मैम। हाँ थोड़ा सर के यहाँ ही मैंने एक शीरबला तेल का नस्य लिया था। मेरा मेरा छोड़िए, मेरा शीरबला का सब लोग जानते हैं, आपका पर्सनल कोई केस जो आपने सॉल्व किया, जो चैलेंजिंग केस है जो आपने किया वो बताइए। हाँ सर वैसे बहुत सारे है केसेस, लेकिन एकदम अभी जैसे विषय आएगा, क्योंकि आपकी अभी क्या चर्चा शुरू है किस विषय पे, मैं अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ ना। ठीक है, आप ओवेरियन सिस्ट पे कुछ बोलिए ना मैम, ओवेरियन सिस्ट पे कुछ बोलिए। हाँ आपने केस सॉल्व किया है ओवेरियन सिस्ट पे, पीसीओएस पे? हाँ हाँ पीसीओएस में किए है, जैसे हेतु हम देख के उसपे काम करके करते हैं। जैसे अभी अभी मैं थोड़ा रसपाचक और रक्तपाचक इसका यूज करके थोड़ा रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं मुझे। जैसे रस दुष्टि करके विचार किया तो हार्मोनल इम्बेलेंस जो दिखता है। हेलो हाँ बोलिए, बोलते रहिए मैम, सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए मैम। रस दुष्टि का विचार करके ट्रीटमेंट किए जाए तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जी तो मतलब पीसीओएस में रस दुष्टि भी एक हेतु रहता है। जी मैम और क्या देती है मैम पीसीओएस में, रस पाचक रक्त पाचक के अलावा आप क्या देती हैं? पहले तो लंघन और पाचन ये सबसे बेसिक ट्रीटमेंट रहती है उस जी में। जी और जैसे अगर वात दोष ज्यादा दिख रहा है तो उसके लिए हम मैं एकदम प्राइमरी योगराज गूगल ज्यादा यूज करती हूँ उसमें। जी और लंघन पाचन और मेनली डाइट का लाइफस्टाइल जो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से जो है दिनचर्या वो करेक्शन करके देती हूँ मैं पेशेंट का, और उससे ही बहुत सारा पेशेंट का यानी इससे रिलेटेड हाइपोथायरायडिज्म के पेशेंट ज्यादा आते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बेलेंस और हाइपोथायरायडिज्म TSH लेवल हाई जो आती है जी, तो उसमें भी जो 10, 15, 17 ऐसा TSH लेवल हो तो वो ये जो हम रसदुष्टि की ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें ही वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और बेसिक मैंने जो बताई है अपना चिकित्सा सूत्र
उससे ही वो कवर अप हो जाता है। और आप नस्य बस्ती के बारे में क्या बताएंगे, वो क्या हम दे पीसीओएस में सिस्ट को डिसॉल्व करने के लिए आपका क्या विचार है? वैसे तो मैंने नहीं यूज किया, लेकिन मैंने एक फॉलिकुलर ग्रोथ हो नहीं रही थी पेशेंट की, तो उसके लिए मेरा आयुर्वेद की ट्रीटमेंट चल रही थी। ये बेसिक ही दवाई शुरू थी वात पित्त कफ के लिए, उसमें फॉलिकल रप्चर नहीं हो रहा था, तो मैंने वचा तेल का नस्य दिया था पेशेंट को, तो जो ग्रोथ हो नहीं रही थी 3 consecutive 3 days में पेशेंट की ओवुलेशन स्टडी हो रही थी, तो वचा नस्य देने के बाद हो गया वो रप्चर और पेशेंट कंसीव हो गई थी उसमें। वाह जी। ऐसे एक ही केस मेरी वो मुझे लगा था, कहीं तो भी सुना था कि वचा तेल से होता है, तो मैंने पेशेंट का ऐसा दिखा तो यूज किया। अदरक सोरस का प्रयोग किया है ओवुलेशन रप्चर होने के लिए? नहीं जी जी। मैम पेडंकुलेटर जो सिस्ट होती हैं, ऐसा सुना है कि अदरक स्वरस से भी होता है। मैम पेडंकुलेटर सिस्ट जो होती है ना, पेडंक्यूलेटेड सिस्ट जो होती है, लटकी हुई जो होती है ना एडोमिक्सास में, मैम इनका क्या है मतलब, जैसे इनको तो फिर सर्जरी करके निकालना है, हमारे आयुर्वेद में कुछ ऐसा है वो थोड़ा सा प्रकाश डालिए। अरे ये तो सर्जिकल ही है ना पेडंकुलेटेड सिस्ट है तो, लेकिन अगर हार्मोनल इम्बेलेंस है रिलेटेड और सिस्ट कितनी है, उसकी इमरजेंसी कैसे आ सकती है, क्या बड़ी अगर सिस्ट है तो वो तो सर्जरी ही एडवाइजेबल है, उसमें ऐसे काम उतना नहीं किया। लेकिन जो छोटी सिस्ट रहती है वो बैलेंस हार्मोनल इम्बेलेंस बैलेंस होता है ना, तो 2-3 महीने में निकल जाती है। ये जो आप सिस्ट बोल रही है पेडंकुलेटेड सिस्ट, ये कहाँ की? ओवेरियन सिस्ट मैम, राइट एडेनेक्सा की, आज ही देखा है मैंने वो केस, मैंने भी रेफर ही किया उसको सर्जरी के लिए। सर्जरी ही एडवाइजेबल है, उसकी साइज कितनी है वगैरह वो सब देख। मैम काफी बड़ी थी, उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। हाँ, और इसमें क्या रहता कि अगर वो बड़ी है उसमें ट्विस्ट आ गया तो इमरजेंसी कैन ऑकर एनी टाइम, सो आयुर्वेद का नाम तो पहले ही है कि ये लोग कुछ भी करते हैं। वैसे भी पेशेंट अगर ट्रीटमेंट नहीं लेता तो वो इमरजेंसी में कभी भी उसको प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन वो हमारे यहाँ है तो हमको सब फूक फूक के ही पैर रखने पड़ते हैं। जी थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया मैम आपने। मैम हमको इसी तरह से गाइड करती रहिएगा, हम लोगों की तरफ थोड़ा सा गायनिक में नॉर्थ इंडिया में ना बहुत ही ज्यादा अच्छा फोकस नहीं है मैम हम लोगों को यहाँ पे, मतलब फाइब्रॉइड्स में ग्रुप पे तो है, फाइब्रॉइड्स में भी। मैम थोड़ा नेटवर्क एरिया में ये आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, अनुश्री मैम। हाँ हाँ मैम, फाइब्रॉइड्स जो रहते हैं यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने मुझे आए हैं। वो केस बताने लायक है, एक डॉक्टर की मिसेज ही थी। आप बताइए, सुनिए मंदाकिनी मैम, मैं अपने पापा का थोड़ा ड्रेसिंग कर रहा हूँ, आप थोड़ा संभालिए और मैम का सुनिए अनुभव, अनुश्री मैम का बहुत एक्सपीरियंस है। जी मैम अनुश्री मैम बोलिए, अभी मैं थोड़ी देर में साइज भी बताइएगा हम लोगों को, मैं 5 मिनट में ज्वाइन करता हूँ, आप लोग बात करिए। साइज ऑफ फाइब्रॉइड? जी मैम, जी मैम। हाँ, 8 centimeter का फाइब्रॉइड था पेशेंट का। हेलो जी मैम, आ रही आवाज आपकी, बोलिए। हाँ, सेकेंडरी स्टेरिलिटी थी पेशेंट की। जी एंड जी, हस्बैंड उनके डीएनएस डॉक्टर ही थे, और पेशेंट का फाइब्रॉइड 1 year बैक वो सर्जरी हुई थी उतने ही फाइब्रॉइड की, लेकिन आफ्टर 1 year ऑफ सर्जरी फाइब्रॉइड अगेन अपीयर। अच्छा मैम, हाँ हाँ मैम, आ रही आवाज आपकी। यस मैम, हाँ हाँ, तो सर्जरी के बाद ही 1 साल में उतना ही फाइब्रॉइड फिर से आया, तो उन्होंने सोचा कि अभी तो सर्जरी करनी नहीं है, और सेकेंडरी स्टेरिलिटी थी उनको, तो वो मेरे पास आए थे कि अभी सर्जरी हमको नहीं करनी है, तो उनको ट्रीटमेंट दिए, तो
फाइव मंथ्स में मुझे लगा कि उनके जो सिम्टम्स थे तो वो थोड़े रिग्रेस हुए हैं, तो हम सोनोग्राफी करके देखते हैं, तो पांचवे महीने में हमने सोनोग्राफी की तो पूरा रिग्रेस हुआ था फाइब्रॉइड, और एंडोमेट्रियम लेवल बढ़ गई थी, तो देयर आर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, तो हम कंफर्म नहीं थे, तो मैंने पेशेंट को बोला कि थोड़े मेडिसिन हम स्टॉप कर देते हैं, और वही मेंसेस उनके आए नहीं और प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई। आफ्टर दैट साढ़े 4 kg का बेबी उनको नॉर्मल डिलीवर हुआ, जो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई थी, और बाद में फाइब्रॉइड भी नहीं हुआ। ड्यूरिंग मतलब दीस डेज जो आपने दोबारा फाइब्रॉइड ट्रीट किया थी, अच्छा मैम उसमें क्या मेडिसिन चलाई थी आपने और कैसे उनका विचार किया था? उनका वो बहुत अच्छे से फॉलो करती थी, उसकी लाइफस्टाइल अच्छी थी, तभी भी उनका जो हेतु था वो ओवर ईटिंग अध्यसन का ही हेतु मुझे ज्यादा मिल रहा था। वैसे हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे थे, तो मैंने उनका सिर्फ 2 टाइम खाने का किया, और कांचनार गुगुल, आरोग्य वर्धिनी, योगराज गुगुल, ऐसे ही मेडिसिन दिए थे, दूसरे कुछ भी नहीं। मैम वो पतली इसकी थी कि मोटी थी? वो कंटिन्यू मीडियम थी, ज्यादा नहीं, उसकी हाइट अच्छी थी, जो 4 kg बेबी था ना उनका, तो अच्छे से कैरी किया, उनका 5'8" वगैरह हाइट होगी उनकी, और नियर अबाउट 75 kg उसका, 72-75 कुछ भी था कि, लेकिन उनको हिस्ट्री बहुत सारी थी। एक मिनट। हाँ अभी आ रही है? हेलो जी मैम, आ रही है जी मैम। हाँ वैसे मेरा इतना अनुभव नहीं है आयुर्वेद के बारे में, आपसे अभी ये पहचान भी नहीं हुई तो मैं ही बात कर रही हूँ। नहीं मैम, हम भी बोल रहे हैं ना मैम। आपने इसमें फिर वो क्या कहते हैं कुछ ऐसा पंचकर्म प्रोसीजर बस्ती वगैरह भी कुछ किया था क्या उनको? नहीं नहीं, बस्ती नहीं था, मेरा छोटा सा सेटअप है। मैं जरूरत पड़ी तो सिर्फ मात्रा बस्ती देती हूँ पेशेंट को, लेकिन वो पेशेंट में मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस्ती पंचकर्म का दूसरा कुछ भी नहीं। वहां मैम हम लोगों का भी मतलब इतना मतलब नॉर्थ इंडिया में तो इतना अभी मतलब चला नहीं है ना स्त्री प्रसूति में, तो हम लोग का भी छोटा छोटा सेटअप भी होता है। हम लोग इसमें बहुत कोशिश भी करते हैं हम सारे वैद्य कि हम लोग मतलब ऐसे ओपीडी लेवल पर ही करें मैम, लेकिन ना उतना हम लोगों को रिकवरी रेट मिल नहीं पाता है। फिर नहीं, मतलब बेसिक अगर हम जाए ना चिकित्सा सूत्र को, हम कॉम्प्लिकेटेड दृष्टि से ही देखते हैं पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो, पहले हमारी दृष्टि बाय प्रोसेस जो रहता है ना हमारा निदान चिकित्सा सूत्र के ही हमने डिसाइड करके स्टेप बाय स्टेप गए, तो हेलो मैम, हेलो मैम आवाज कट गया। वैद्य अनुश्री मैम थोड़ा बाहर आके बात करिए ना। अनुश्री मैम बैटरी का थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए आपका सब लोग सुनना चाहते हैं लेकिन आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो हाँ बोलिए मैम, बोलिए। अनुश्री मैम आप बोलिए मैम। वो रेंज का प्रॉब्लम है शायद, मुझे भी ठीक से थोड़ा सा बाहर आके बात करिए ना मैम, आपके घर से क्लिनिक से प्रॉब्लम शायद मैम का आवाज नहीं आ रहा। हाँ,
थोड़ा सा हाँ बाहर आके देखते हैं, बस। एक मेरा बैटरी का ही बैटरी का भी प्रॉब्लम है। हाँ अच्छा, आप मैम फिर थोड़ा देर के बाद ज्वाइन करिए, 5 मिनट में बैटरी को चार्ज कर लीजिए फिर ज्वाइन करिए। तब तक आप रुकिए, हम अनुश्री मैम का सुनेंगे, तब तक बाकी लोग बात करिए। अनुश्री मैम आएंगी जुड़ेंगी, ये लोग ना पुणे के बहुत मतलब बहुत फेमस डॉक्टर लोग रहते हैं, तो ये तो अच्छा हो कि मैम अपना नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन पुणे पुणे के बाकी लोग अपना नॉलेज नहीं शेयर करते, ये तो मैम करने लगी। ठीक है, बाकी लोग बोलिए कुछ अपना अनुभव। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट ठीक किए हैं क्या? जी सर। आपने क्या क्या दिया है अल्सरेटिव कोलाइटिस में बताइए प्लीज। तो वो पेशेंट आज आए नहीं। हाँ एक मिनट रुकिए, अनुश्री मैम आप थोड़ा बैटरी चार्ज कर लीजिए और उसके बाद हमको बताइए, आपका नॉलेज हमें सुनना है। ठीक है, वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी बोलिए। हाँ सर, पर वो आज फ्री नहीं है अभिषेक जी, तो कल आएंगे वो। ठीक है, आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या दवाई दिया और पेशेंट ठीक किया वो थोड़ा बताइए सबको। सबसे पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस में सर अग्नि की चिकित्सा ही करते हैं, आम का पचन करते हैं, ठीक ना सर। और हम तो हमारे पास हम छोटी दूधी का काफी अच्छा प्रयोग करते हैं, छोटी दूधी है और भूमि आंवला और काल मेघ, इसका प्रयोग बहुत अच्छा करते हैं चौरस के रूप में। फिर इसके बाद सर अपना कुटज हम करते हैं, कुटज का प्रयोग, कुटज अरिष्ट, कुटज घनबट्टी प्लस काम दुग्धा का, कई बार पेशेंट को हाइपर एसिडिटी होती साथ में अगर काम दुग्धा का प्रयोग करते हैं, परपटी का भी काफी अच्छा प्रयोग करते हैं सर, ठीक ना सर। और सर मानसिक चिकित्सा जरूर करते हैं पेशेंट का, ठीक ना सर। मानस मित्रम गुटिका, चाहे ब्राह्मी बटी, चाहे कोई भी मानस जटा मानसी, इस तरह का योग जरूर देते हैं, क्योंकि अल्सरेटिव पेशेंट के साथ उसको डर बना रहता है हमेशा, मोशन आ जाएगा मोशन आ जाएगा। और लंघन का काफी अच्छा करते हैं, और छाछ का प्रयोग, तक्र का भी बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अपना इसका लवण भास्कर के साथ, हिंग मास्टर के साथ तक्र का प्रयोग करते हैं सर, और ये करते हैं सर, इससे काफी अच्छा हो जाता है पेशेंट। और ब्लीडिंग कई बार होता है तो गोलभद्र रस का प्रयोग करते हैं सर। सर ये मुरी बनना का जो तेल होता है वो क्या कोकोनट कैसे बनाते हैं सर? ये नारियल का वो मनीषा मैम बता रही थी कि वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में मुरी बनना तेल जो नारियल का बेस रहता है उससे बनता है। का आवाज नहीं आ रहे। मुरीवेणा तेल पे मैं एक लेक्चर लिया हूँ और मैं ले लूंगा तो आपको और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। हाँ मैं बताऊंगा मुरीवेणा तेल के बारे में, ठीक है। अनुश्री मैम आपका चार्ज हो जाए तो बताइएगा मैम, आपका सुनना चाहते हैं सब लोग। अरे सर मैं एक पूछना चाह रही थी कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पाइलोरी का जो इन्फेक्शन रहता है पेशेंट को, हाँ। तो उसमें आपने कुछ किया है क्या कि जो नेगेटिव आया वगैरह ऐसा कुछ है क्या? हाँ वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी आप बताइए, आप बताइए नहीं तो मैं बताऊंगा जो इन्फेक्शन बिडंग का अच्छा योग करते हैं, बिडंग से काफी अच्छा होता है सर। अमी भी बैद्यनाथ की अमी भी यासिस आती है, अमी टेबलेट आती है, उसका भी वो काफी अच्छा उसमें योग है, ठीक ना सर। और ऐसे पेशेंट को फिर क्या कहते हैं सर ये ठीक है, ऐसे कुटज परपटी है ना मैम, अनुश्री मैम कुटज परपटी ही उसको ठीक कर देता है पूरा, कुटज परपटी वही हमारा एंटीबायोटिक सबसे बेस्ट। बिलाजील का भी काफी अच्छा प्रयोग है। हाँ बिलाजील सांडो की बलवंटान आती है अगर पेशेंट, हाँ पेशेंट को काफी लूज मोशन हो रहा है, काफी मरोड़ के साथ आ रहा है मोशन, तो बर्बेंटाइन एक एक टैबलेट से बहुत जल्दी रिलीफ आ जाता है। और बिलाजील का उसका उसका आयुर्वेदिक पद्धति से निदान, उसका अल्सरेटिव कोलाइटिस का अभी मैम लेक्चर हुआ था 7 बजे, आप मुझे एक मैसेज करिए मैं उसका लिंक देता हूँ, आप सुन सकती हैं।
उस पे अभी हमारा 7 बजे लेक्चर हुआ था, तो उसका लिंक देता हूँ, आप सुन सकते हैं पूरा डिटेल में, ठीक है। आप अनुश्री मैम कुछ बोलना चाह रही थी वो फाइब्रॉइड पे, वो आप थोड़ा बताइए अपना नॉलेज। फाइब्रॉइड पे मैं अभी, हेलो, हाँ बोलिए मैम। हाँ जो बता रही थी वो बताइए, कंटिन्यू करिए अनुश्री मैम। आपने ट्रीटमेंट क्या कर दिया, आप कैसे किया अनुश्री मैम? शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है या मैम तक आवाज नहीं जा रही है। मैम वहाँ कोथरूड में रहती है ना, शायद वहाँ पे आज प्रॉब्लम है नेटवर्क का। अनुश्री मैम सुन पा रही हैं क्या? सर्जिकली रिमूव्ड था। हाँ मैं सुन पा रही हूँ, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ बोलिए मैम। वो जो फाइब्रॉइड की केस थी, तो उसके 1 ईयर बैक उसकी सर्जरी उतने ही फाइब्रॉइड की हो चुकी थी गायनिकोलॉजिस्ट के यहाँ, तो वो रिकर हुआ था। तो वो अपने चिकित्सा सूत्र से वो पूरा गया था। ये आयुर्वेद के हिसाब से मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव था कि वो विदाउट सर्जरी पूरा रिग्रेशन होके प्रेगनेंसी रही थी पेशेंट की। तो क्या दिया था आपने मैम? सर उसमें मैंने उसका जो अध्ययन हेतु ज्यादा था उसका पेशेंट का, तो हेतु अध्ययन का मैंने उनको बोला कि वो स्टॉप कीजिए और 2 बार ही खाना, भूख लगने पर खाना, और बीच बीच में लंघन देते थे मुद्गयुष्का हफ्ते में 1 बार, और कांचनार गुगुल, आरोग्य वर्धिनी, योगराज गुगुल, ऐसी ही ट्रीटमेंट उनको चल रही थी। मुझे तो लगता है कि जो उनका अध्ययन हेतु था उसको उस पे ध्यान दिया, इसलिए ही उनको अच्छा ये हुआ, रिजल्ट आया जी। अच्छा, रस, रक्त, मांस में दस्ति, मज्जा, शुक्र सब बनने लगा, इसलिए फायदा हुआ जी। हाँ हाँ जी। वैसे दवाइयाँ ये कांचनार गुगुल, योगराज गुगुल, आपने मैम कुबेराक्ष छोटी का यूज किया है क्या? कुबेराक्ष छोटी नहीं नहीं किया है मैंने, और एक मैंने बस्ती वगैरह कुछ भी उसमें किया नहीं था जी। मैम कोई बात नहीं, आपको रिजल्ट मिल गया ना, वो बहुत बड़ी बात है। आपने अध्ययन को हेतु बंद किया, पेशेंट को रिजल्ट मिल गया। यस यस सर जी। और डॉक्टर अनुश्री मैम, आप डॉक्टर अनुरीता मैम को जानती हैं? हमारी व्यासपीठ की बड़ी डॉक्टर है अनुरीता सकट मैम। हाँ वो है इधर, तिलक आयुर्वेद कॉलेज से पढ़ी हैं वो अनुरीता मैम, आपकी बहुत तारीफ करी थी। अरे जी ओके, नमस्ते मैडम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। जी मैम। हाँ हम मिले थे। हाँ अनुरीता मैम मिली थी ना जब वो नस से लेने आए थे, तो नस से लेने आए थे तब। यस मैम। ठीक है, और कोई केस बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बता सकते हैं। सर मुझे एक पूछना था। हाँ पूछिए मैम। हाँ सर, एक 36 ईयर मेल है, अनमैरिड है सर। उनको ये गुरुदृष्टि और वो अवबाहुक ऐसे दोनों है, तो वो जो डिस्क बल्ज और वो क्या होता है ना, मैं एक रिपोर्ट बताती हूँ आपको, पढ़ के सुना देती हूँ या फिर ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। तो उसकी वजह से सीआरटी का है लेफ्ट साइड का, और वो ऊपर से हाथ में है लेफ्ट साइड का, तो लेफ्ट हैंड में शोल्डर से लेके वो पूरे फिंगर्स तक पेन होता है, और पैर में पूरा लेफ्ट हिप से लेके जो पैर के फिंगर तक पेन होता है रेडिएटिंग जी। और सर उनका हेतु में ऐसे रहा है, पेन बहुत ज्यादा होता है, और पेन ऐसा है कि रेस्ट करने पर ज्यादा होता है जी। तो हाँ मतलब जैसे वो ज्यादा देर बैठ गए, ज्यादा देर लेट गए तो ज्यादा पेन होगा, और अब हल्का हल्का वॉक करने पे होने लगा है, नहीं तो मेन तो रेस्ट करने पर ही ज्यादा होता है जी। ऐसा है उनका। और ऐसे कभी कभी होता है कि सोने में से वो उठ जाते पेन के मारे, मतलब शोल्डर में इतना ज्यादा पेन हो रहा है, उसमें इतना हो रहा है कि नींद खुल गई उनकी ऐसे जी। और अगर हेतु मेन देखा जाए तो उनका पहले ऐसा था, वो जिमिंग वगैरह करते थे। अभी ये सर उनको 5-7 साल से प्रॉब्लम्स है, तो पहले वो जिमिंग वगैरह करते थे, तो उसमें क्या वो वेट लिफ्टिंग वगैरह की जाती है ना, तो वो सब करते होंगे, तो उसकी वजह से है। और दूसरा वेग विधारण की भी हिस्ट्री रही है, स्ट्रेस की है,
दूसरा एक स्मोकिंग करते हैं और स्पाइसी बहुत खाते हैं और एग्स वगैरह भी ज्यादा खाते थे। और उनकी दिनचर्या ऐसी है कि सुबह 6:30 बजे उठते हैं, उठने के बाद 1 गिलास पानी पियेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा नाश्ता वो 9:30 बजे ऑफिस में जाके करते हैं। ऑफिस 9:30 से 6:30 होता है, वहाँ पे जनरली साउथ इंडियन खाएंगे, पोहा खाएंगे या ऐसे कुछ तो भी वड़ा पाव वड़ा वगैरह साउथ इंडियन वगैरह इस तरह से खाएंगे। फिर बाद में दोपहर में खाना खाएंगे, तो वो खाना तो वो खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं, बस इतना है कि वो खाना भी स्पाइसी ही खाते हैं क्योंकि उनको स्पाइसी बहुत पसंद है। और खाने में भी वो छोला चना राजमा भी वो कभी कभी हो जाता है, नॉन वेज हफ्ते में 1 या 2 बार होता है, बाकी मोस्टली वेजिटेरियन ही होता है। और डिनर करते हैं कुछ वो रात के 11 बजे और फिर उसके बाद वो 12:30-12 बजे तक शायद सो जाते हैं। और सिगरेट उनकी हो जाती होगी दिन में 10-1 हो जाती होगी। और बाकी तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह बीच में खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ऐसे चाय 4-5 हो जाती है दिन भर में इस तरीके से। और एग्स वगैरह भी काफी खाते थे, तो मेन यही सब है। मेन उनकी अभी कंप्लेंट यही है कि उनको वो पेन बहुत ज्यादा होता है, वो गुदरसी वाला भी और अवाउक वाला भी, जो रेडिएटिंग पेन है ना वो सब। तो अभी इसमें जैसे एक दो टाइप के पेन होते हैं ना सर, एक चलने फिरने पे ज्यादा होता है और एक रेस्ट करने पे ज्यादा होता है, तो इनका रेस्ट करने पर ज्यादा होता है। और इनके इसमें वो रिपोर्ट्स में आया है कि वो C4 C5 की वो कुछ है वर्टिब्री ना, तो उसमें प्रॉब्लम है, और वो उधर L5 S1 इसमें ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से ही उनको शायद वो सियाटिका और वो गुदरसी वगैरह सब है। एक मिनट में एक बार शेयर कर, मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ रिपोर्ट जी। है ना, डिफ्यूज बल्ज ऑफ L5 S1 डिस्क, इंडेंटिंग एंटीरियर थीकल सैक एंड कॉजिंग माइल्ड बायलेटरल फोरामिनल नैरोइंग। और दूसरा है स्क्रीनिंग ऑफ रेस्ट ऑफ द स्पाइन रिवील्स माइल्ड बल्जेस ऑफ C4 C5 एंड C5 C6 डिस्क विदाउट कॉजिंग कैनाल और फोरामिनल नैरोइंग। तो ये सब है इसमें, तो मनीषा मैम, अनुरिता मैम, शशि मैम बता देंगे आपको। बताइए अनुरिता मैम क्या करना चाहिए, आपने केस सुना होगा। अनुरिता मैम, मनीषा मैम, मंदाकिनी मैम, बोलिए आप लोग, सबसे इंटेलिजेंट डॉक्टर लोग बताइए, कोई बोलिए। मनीषा मैम बोलिए आप। सर सियाटिका वाली मैं, सियाटिका है और इनको फ्रोजन ये मैं बता रही हूँ एक्चुअली, इस तरह के मैंने पेशेंट्स देखे हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। अच्छा मैम बोल रही, तो मैम प्लीज बोले। मनीषा मैम आप मैम बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा कोई भी बोलिए, पहले बोलिए, लेकिन बोलिए सब लोग बोलिए जी। बोलिए मनीषा मैम, कौन बोलेगा पहले बोलिए, फिर शशि मैम बोलेंगी। मनीषा मैम बोले प्लीज। मैम नमस्ते। मनीषा मैम आप बोलिए। नमस्ते मैम। शशि मैम बोलिए, बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। एक्चुअली मैम जो आपने बताया अभी, ये ट्रीटमेंट लाइन आप ट्रीटमेंट जो चला रहे थे, तो इसमें हमको लंबर और सर्वाइकल की ही चिकित्सा करनी है। और जैसे इनको आप बताए L4 L5 में बताया है, तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस तो सर्वाइकल का ही है, तो सर्वाइकल की वजह से नैरोइंग हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, इसकी वजह से उनको शोल्डर में पेन हो रहा है। जी मराठी में जी सर, शोल्डर से लेके पूरा हाथ तक हो रहा है मैम, पूरे फिंगर्स तक और नीचे का पूरा लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट शोल्डर में और लेफ्ट पैर में। जी मैम जी, तो इनको सर्वाइकल का आप ट्रीटमेंट देंगे मैम, मन्यावस्थी मन्याधारा करेंगे, पहले वो दीपन पाचन करके और शाम का देख लीजिए। और इसके बाद कटिवस्ती, वैसे हल्का पहले पिंड स्वेद रुक्ष स्वेद करके और फिर कटिवस्ती चलाएंगे, कटिवस्ती में धारा चलाएंगे, कटिवस्ती चलाएंगे और उनकी कंडीशन देखते हुए स्नेह वस्ती भी करेंगे मैम, तो इनको तब उनको ये रिकवरी मिलेगी। और ये 7 days 14 days का ऐसा कोर्स करके यदि आपके पास अवेलेबल है पंचकर्म तो चलाएंगे, तो जल्दी रिलीफ मिलेगा। साथ में नस्य करेंगे मैम, नस्य करेंगे वन्यधारा के साथ नस्य करिएगा और लेपन कर देंगे उनको, वात्सामा जो अपने द्रव्य है उनसे लेपन करके और हल्का मूवमेंट करके उनको मूवमेंट करेंगे, जैसे उनको बोले कि रेस्ट करने पे पेन हो रहा है उनको,
तो क्या है कि वो डाउन उसमें लेटती हैं, पिलो वगैरह भी रखती हैं, उनको भी थोड़ा सा उनको भी सावधानी से रखवाइए, तो इसमें अच्छी रिकवरी मिलेगी मैम। फॉर नाड़ी स्वेद करके हल्का हल्का पहले शुरुआत में पहले उनको जो वात है वात शमन करने के लिए और सामता को कम करने के लिए वृक्ष स्वेद देकर के वृक्ष पोटली का स्वेद दे देंगे या लेपन कर देंगे या महावेश गर्भ लगा करके, कि दो तीन दिन के बाद जैसे ये रिकवर हो जाता है तो फिर आप मन्यावस्ती कटिवस्ती अनवासनवस्ती और नस्य ये चलाइए योगराज गुगुल के साथ में, और वासामक औषधियां चलाइए गुदंती भस्म महावात विध्वंस रस, और साथ में निर्गुंडी का कल्प भी चला दी उसे निर्गुंडी और गुडुची के साथ में मिला करके महारसनादि क्वात या रसनारंडादि कषायम के साथ में सुबह खाली पेट पान करा के पोष्ट शोधन करा के उसको देंगे तो उनको इंस्टेंटली मैम 3 to 4 days में रिलीफ मिल जाएगा। और साइटिका का जो हम ले के चलते हैं ना ट्रीटमेंट अभी मॉडर्न से जैसे बताते साइटिका है तो नहीं है मैम, इसको करने से ही उनको आराम हो जाएगा। जी मैम शशि मैम करेंगे और आगे मैं थोड़ा सा खाना। ओके मैम आ रही हूँ। हाँ जी मैम ओके मैम थैंक यू मैम बढ़िया बताया। एक्चुअल में सियाटिका के मैंने आज तक जितने पेशेंट्स देखे हैं जैसे 50s केस वाले भी देखे, और कई बार मेरे पास एक बच्चा आया था लेबर क्लास का था, मतलब होटल में जो बच्चे काम करते हैं वो था, करीब हार्डली 20-22 से ज्यादा की एज नहीं रही होगी, तो उसके केस में भी क्योंकि हम सिंपली सोचते हैं कि सियाटिका के केस में जो मेरा अपना अनुभव है मैं बता रही हूँ कि नर्व्स का सिर्फ प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो भी सियाटिका के पेशेंट हम लोग के पास आते हैं आयुर्वेद में तो काफी भटके हुए भी होते हैं। जैसे वो जो हमारे पास केस आया था मैम वो सोलन पहले था, इंजरी का केस था, कई साल पहले पेड़ पर से गिरा था या ऐसे कुछ हिस्ट्री थी। और कुछ लोग के साथ क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, या सिंपल वर्ड में कहें वो कॉन्स्टिपेशन वगैरह के पेशेंट रहते हैं, तो जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहती है तो उनको बैकएक भी रहती है और उस बैकएक को इग्नोर करते रहते हैं, थोड़ा बहुत पॉस्चरल प्रॉब्लम होती है, जैसे बहुत पढ़ने लिखने वाले लोग क्या होता है कि सही तरीके से बैठकर पढ़ते नहीं तो उसकी वजह से भी कमर में प्रॉब्लम आती है। तो उनके मैक्सिमम जो है L4-L5 में या S1 के आसपास जो है या L1 में भी डीजनरेटिव चेंजेस रहते हैं, ज्यादा दिन पुराना हो जाता है तो बल्जेज वगैरह रहते हैं। अगर तुरंत तुरंत का केस हो, चाहे सियाटिका हो चाहे सर्वाइकल का केस हो चाहे कोई भी हो, 1-1.5 साल के पहले उसमें कोई भी प्रॉब्लम मतलब एनाटॉमिकल चेंजेस नहीं आते हैं। अगर जो भी केस बहुत जितने ज्यादा पुराने होते जाएंगे उतना ज्यादा वर्टेब्रल कॉलम में मतलब बोन लेवल पर प्रॉब्लम आती है। तो इसमें एक तो सिर बस्ती बहुत बढ़िया काम करती है, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे सारे पेशेंट्स की हिस्ट्री में एक चीज और बढ़िया से मिलता है कि अधिकतर मतलब सूर्योदय के बाद उठते हैं, मतलब रात्रि जागरण रहता है, सुबह मतलब लेट सोकर उठना रहता है। तो मैं जो सजेस्ट करती हूँ वो हमेशा होता है कि सूर्योदय से पहले उठना है, कोशिश करिए तो सूर्य को अर्घ दीजिए। पूरी लीजिएगा, क्योंकि अगर हम सही से सोचे तो इसमें सियाटिका के केसेस में मेजोरिटी टाइम होता है उनकी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती, तो अगर पेशेंट का है प्रॉब्लम तो उस चीज को ठीक करा देना। कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन का तो मैं आपको कॉन्स्टिपेशन का तो ये है कि बहुत सारे लोगों को सही से पता ही नहीं होता कॉन्स्टिपेशन क्या है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेजोरिटी लोग जिसको कॉन्स्टिपेशन समझते हैं वो सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी ऑन ऑफ कुछ इधर उधर चल रहा है, पेट सेटिस्फैक्टरी साफ हुए कि नहीं साफ हुए उनको सही से पता ही नहीं होता है। तो उसमें मेरा ख्याल है या जैसे इसमें एरंड पाक बहुत बढ़िया काम करता है, मैंने देखकर भी देखे हुए हैं, तो आप एरंड पाक दे सकते हो। एरंड पाक का हालांकि एक चीज बहुत है कि स्मेल करता है, गंदा सा होता है, तो पेशेंट को जो उसके अकॉर्डिंग प्रकृति है आप नित्य विरेचन कुछ भी दे लीजिए, और कटिबस्ती वगैरह सारी चीजें जैसे मैंने बताया नाड़ी स्वेद वगैरह कराइए, पर डाइट वगैरह के चेंजेस जरूर कराइए शुरुआत में कि मतलब ऑयली स्पाइसी चीजें नहीं खाना पीना है, रात्रि जागरण नहीं करना है, ये सब बहुत सारी चीजें जब उसके साथ कोरिलेट होती हैं। अदरवाइज क्या होता है अभी आप मेडिसिन दोगे ना मैम ठीक हो जाएंगे, 15-20 दिन बाद फिर थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम शुरू होगा, फिर 5-6 महीने बाद फिर से आपके पास आएंगे। तो पाचक के लेवल पर पहले तो मैं, हाँ जी सर, सर कुछ बोल रहे थे? मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोलिए, आप बोलिए, वो बीच में डिस्टर्ब। हाँ, आज की डेट में मैं ये समझती हूँ कि अगर मतलब वर्टिब्रल कॉलम में प्रॉब्लम आ रही तो ऐसी बात हमारी अस्थि धातु में आई है, तो हमको पाचक जरूर चलाने चाहिए क्योंकि पाचन की विकृति रहती है, और पाचन शुरू से कराना चाहिए, मतलब रस पाचक रक्त पाचक करके जो जो 15 दिन का चाहे हफ्ते भर का चलाकर बाद में अस्थि मज्जा पाचक आप अच्छे से चला सकते हो मैम।
तो फिर रिजल्ट इसमें अच्छे आते हैं, ये चीज मेरा है। और आयुर्वेद ही इकलौता एक ऐसा है सियाटिका के केस में जो डायग्नोसिस भी सही से करता है और ट्रीटमेंट भी करता है, वरना एलोपैथी के जब जाते हैं ऑर्थोपेडिशियंस के पास में तो डायग्नोस भी नहीं कर पाते हैं और कई बार वो टोटल पेशेंट को बोल देते हैं भाई बेड रेस्ट रहेगा और पेशेंट की बैंड बच जाती है, जब बेड रेस्ट करता तो और हालत खराब हो जाती है। तो थोड़ा सा मूवेबल रहे सारी चीजें हैं तो उससे जल्दी रिजल्ट आते हैं, तो मेरा तो मेनली यही है। और अगर पेन वगैरह है तो फिर सर वाला ऑयल जो उस दिन सर ने बताया नहीं था हिंगू लहसुन आदि तेल, तो मैम चाहो तो वो बनाकर उससे भी आप करा सकते हो, कटी बस्ती भी उससे करा सकते हो, उसको आप पान के लिए भी दे सकते हो, उससे आप बस्ती के लिए भी दे सकते हो, दशमुला रिस्ट वगैरह तो सारे इसमें अच्छे रिजल्ट लाते ही है। और दीपन पाचन आप अपने हिसाब से मतलब अकॉर्डिंग टू प्रकृति कर सकते हैं, जो भी हिंगोस्टक अच्छा ही काम करता है इसमें। तो मेरे तो जो पेशेंट्स रहते हैं मैंने सब में यही चीज देखी है और इसी हिसाब से मैं ट्रीट करती हूँ। मनीषा मैम का बहुत बढ़िया अनुभव रहता है तो मैम अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अनुरीता मैम का भी सुन लेते हैं, अनुरीता मैम का क्या एक्सपीरियंस है, अनुरीता मैम आप बोलेंगी? सर थोड़ा सा सुना नहीं मैंने, केस के सिलसिले में साइटिका है, फ्रोजन शोल्डर है, डिस्क बल्ज है, क्या देना चाहिए बताइए। मैम डिस्क बल्ज है या अस्थि धातु से रिलेटेड जो भी है, तो बेसिकली संप्राप्ति अगर शूल है तो वहां पे वातिक का जो भी संप्राप्ति में इन्वॉल्वमेंट वात का है, जहाँ पे पेन के साथ में कुछ और उनके लक्षण वगैरह होंगे सीवियर पेन के अलावा, शायद अचंक्रमण होगा, पेन रेस्ट करने पे, पेन रेस्ट करने पे बढ़ता है मैम, रेस्ट करने पे ज्यादा बैठने में। हाँ तो मैम कहीं ना कहीं कॉर्ड कंप्रेशन ग्रिप का भी हाँ सिम्टम रह सकता है। पेशेंट का एज कितना है? 36 ईयर है, काफी 5-7 साल से प्रॉब्लम है। 5-7 साल से कोई सर्जिकल इंटरवेंशन हुआ लगता है मैम? नहीं 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 हुआ है मैम, कुछ नहीं हुआ है, वो जिम वगैरह करते थे पहले। यस हाँ, तो जिम वगैरह करते थे तो ये पूछेगा, क्योंकि आभ्यंतर जो स्नेहपान का इम्पोर्टेंस हमारे इसमें बताया गया वो नहीं होगा, या डाइट या डाइटिंग या कुछ ऐसे मतलब एक्सरसाइज वगैरह करके बात की, जो भी रुक्ष गुण से प्रकोपित अवस्था जो है, ऐसी कंडीशन से फिर पेशेंट लैंड अप हुआ होगा आपको वहां पे, बिकॉज हर्निएशन है या डिस्क बल्ज है या कॉर्ड कंप्रेशन है, तो वहां पे वात की ये संप्राप्ति रस रक्त आदि धातु से आगे मज्जा और अस्थि दोनों को भी कॉन्कर करती है। इसकी वजह से आपको वहां पे मज्जा पे भी काम करना पड़ेगा, उसके बाद में अस्थि पे भी काम करना पड़ेगा, वात का शमन करना पड़ेगा। लोकल चिकित्सा में आप उसको जितना अच्छी चीज देंगे, दशांग लेप है या फिर दशमूल है या फिर जो भी काढ़े का परिषेक है, लेकिन आपको वहां पे कोई भी प्रेशर नहीं देना है, बिकॉज आपने बताया साइटिका है तो मज्जा इन्वॉल्वमेंट और बाकी का सारा जो भी चीज इंक्लूड, सबसे मेन चीज ये सारी चीजों का आप अगर वातानुलोमन अच्छे से करते हैं दीपन पाचन के साथ में, तो वातानुलोमन जैसे होता है वैसे वैसे वात की जो भी जो पेन है, शूल है, तोद है, ये सारी चीजें कम होने लगती है। मैं इसी जगह पे वेधन कर्म भी करती हूँ, जो पेनफुल पॉइंट है उसके बाजू में रनबोर्ड 26 नंबर की नीरल से आप छोटा सीरा वेद अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और दूसरा चीज ये कि पेशेंट 36 इयर्स का है तो आप जो भी गूगल की कल्पना देंगे या उसके साथ में, ये जरूर देखिए कि उसका हेतु क्या हो रहा है, उसका हेतु सिर्फ जिमिंग है, उसका हेतु दिन में, हाँ वो हेतु निकालना बहुत जरूरी है मैडम, बिकॉज हम बिना हेतु के निदान परिवर्जन के सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने वाले एलोपैथिक डॉक्टर्स नहीं है, हमें रूट कॉज पे काम करना है। दूसरा चीज जैसे जैसे आप अभ्यंग और बस्ती ऐड करेंगे उसको दीपन पाचन के बाद में, अनुलोमन के बाद में, पहले लोकल ये देखिए, इमीडिएटली आगे के पंचकर्मा पे मत शिफ्ट होइए, और जैसे आप मात्रा बस्ती से शुरुआत करिए लेकिन उसकी पूरे हेतु प्रॉपरली निकालिए, और मात्रा बस्ती के बाद में आपको दिखेगा हर्निएशन भी अच्छा होता है मैम, डिस्क बल्ज भी अच्छा होता है, हम ऑपरेशन से बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं, बस आपको पेशेंट का फॉलोअप अच्छे से रखना होता है। निदान परिवर्जन पहले देखिए क्या है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो नहीं है, हेतु कहाँ से, पित्त प्रकोपित की अवस्था है क्या, वात कहीं पित्त को लेके तो नहीं वहां पे जा रहा है जो दाह या यस मैम यस मैम बाकी का, क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण आहार है, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, एग्स खाने की हिस्ट्री है, स्पाइसी खाते हैं, ये सब है, और बाइक से भी ट्रेवलिंग करते 45 मिनट्स, ये सब तो है ही। तो मैम जब भी ऐसी अवस्था है कि जहाँ पे पित्त का भी प्रकोप है और वात उसको लेके जा रहा है, मतलब अवरोधात्मक संप्राप्ति भी है, तो वहां पे जो आप पित्त को शांत करने के लिए देंगे वो वात को शीत गुण से बढ़ा सकता है,
और जो आप बात को शांत करने के लिए उष्ण विद्याएं या कुछ उष्ण वीरेखा देंगे तो उसे पित्त प्रकोप होने की अवस्था है। इसलिए आपको सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स यूज करते वक्त में हमेशा ये देखना है कि पित्त का भी शमन हो और वात का भी प्रकोप ना हो, तो ये सारी चीजें देखते हुए आप ड्रग्स का सिलेक्शन करिएगा। बाकी तो पारंपरिक योगराज गोकुल है, सिंहनाथ गोकुल है, मैं ऐसे वक्त में गोक्षुर पुनर्नवा का भी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन प्रॉपरली केस को हमारी संप्राप्ति में बिठाइए, अपना संप्राप्ति पूरी तरह से फ्लो चार्ट बनाइए और फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट शुरू करिए, विल गेट वेरी गुड रिजल्ट एंड डोंट लेट हिम अलाउ टू गो फॉर एनी सर्जिकल इंटरवेंशन। बहुत यंग एज है उसका और मेनली उनका अवष्टम्भ की हिस्ट्री या विष्टब्धा जीर्ण, ये दो में से कोई ना कोई पूर्व जो रूप होता है उसमें ये हिस्ट्री दिखती है मैम। मे बी सिगरेट स्मोकिंग रहता है, ड्राइनेस रहता है या फिर रुक्ष वाली सारी चीजें रहती है। तो मैम जब आपके इसके हेतु 5-10 साल से चालू रहते हुए नजर आएंगे तो ये बिल्कुल अपेक्षा मत करिए कि आपने 7 दिन बस्ती दिया और 10 दिन में अवगाह या स्वेदन करा दिया और आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। यू नीड टू गो फॉर निदान परिवर्जन, यू नीड टू गो फॉर बहुत प्रॉपर अनुलोमन, और अनुलोमन जैसे ही होता है वैसे बात जो भी है उसकी अपने गुणों से अपना अवरोध छोड़ता है, अवरोध जैसे कम हो जाता है तो पित्त का भी बहुत अच्छे से परिचन होने लगता है। तो ये सारी सिस्टमेटिक अवस्था आप देख के फिर करें और अच्छे से दीपन पाचन करें। ओके यस मैम, यस मैम, या थैंक यू मैम। सर सर अरविंद सर पल्लवी ने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा पल्लवी मैम वीडियो ऑन करा, पल्लवी मैम और शशि मैम आप इनका केस टेकिंग करिए। पल्लवी मैम हाउ आर यू, कसा वाटते तुम्हाला? डॉक्टर मतलब युरिनस पास होत नाही आहे, असं वाटत युरिन प्रोड्यूसर्स होत नाही आहे। अच्छा शशी मैम आप बात करिए उनसे थोड़ा। आम पाचक पुनर्नवारिष्ट गोक्षुर ले रहे, कंचना गूगल और आंवला और आंवला दे रहे। ये बोला उनकी डाइट में और पानी में क्या जा रहा है, मतलब कितना पानी, पानी में लिक्विड में क्या ले रहे हो? पानी बहुत कम पिया जा रहा है वो। अरिश कितना ले रहे हो? उस दिन बोले थे ना कि एसआईटिस है तो कम पानी पियो। ये तो अरिश पीना ना, दूध पीती है? दूध पीती है नहीं, सिद्ध कल्पना है दूध की। देखिए दीदी पहली चीज तो पल्लवी आप रोइए मत और आपको इससे बाहर निकलना है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है आप। आपको अगर यूरिन तैयार करना है तो वो हवा से तो नहीं तैयार होने वाला है। हमारे पेट में एसआईटीएस की वजह से हमने पानी बंद किया है, लेकिन अगर आप दूध पिएंगी, सिद्ध दूध पिएंगी तो आपका यूरिन भी बनेगा क्योंकि आपकी दवाइयां जा रही है और आपकी संप्राप्ति में कहीं बहुत दिन से बुखार चालू था। बराबर है? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू नीड नॉट टू गेट वरीड, हमारे से कुछ गलती हो रहा है जिसकी वजह से। तो आप एक और काम कर सकते हैं, आपके जो नाभि है ना सर बताएंगे आपको, तो वैसे उसका ऑयल वगैरह भी रखिए। और दूसरी चीज आप सबसे पहले अच्छे से दूध पिएंगे, और दूसरा इज देयर एनी हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक, तो हम इनको इक्षु रस दे सकते हैं ना। डायबिटिक थोड़ा सा इक्षु नहीं है ना, या शुगर केन दे सकते हैं। शुगर केन बहुत कम मात्रा में देना है और चाहिए तो उसको हिंगमास्टर थोड़ा सा छिड़काव करके दीजिए, लेकिन शी नीड्स टू गो फॉर सम लिक्विड डाइट लाइक दुग्धजन्य जो भी आहार है हमारा, क्षीरपा कल्पनाएं है उसको दीजिए। ओके और तिक्त शीर अच्छा है, अर्जुन अच्छा है, मूंग दाल का, मूंग दाल का सूप और मूंग दाल के सूप में आधी ज्वार रोटी खा रही हूँ। मैम खाने में आप बराबर कर रहे हैं, जितना भूख लग रहा है उससे 2 निवाले कम खाइए। आपकी ताकत के लिए खाना जरूरी है, लेकिन यूरिन जो बनता है उसके लिए थोड़ा सा लिक्विड जाना जरूरी है। ओके तो वो चीज को आप फॉलो करिए, पक्का होगा। कितना दिन से नहीं हुआ है यूरिन? हाँ आपसे बैठा नहीं जा रहा है क्या? आप पीछे बॉडी में स्वेलिंग है तो वो क्या कर रहा है, बॉडी का पानी भी खींच रहा है ना मैडम। थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड जो हम बता रहे हैं, जैसे आप मुख का पानी और ये पी रहे हैं ना वैसे उसके साथ में दूध जो सिद्ध दूध बताएंगे सर, कुछ आपके पास में पाउडर रहेगा तो वो जरूर लीजिए। और आदित्य सर आपको मैंने थाने की मैडम का नंबर फॉरवर्ड किया है, तो आप उनका मात्रा बस्ती शुरू करा सकते हैं, नस से शुरू करा सकते, शी इज अ वेरी स्मार्ट लेडी। ओके जी, या
ठीक है मंदाकिनी मैम, आप कुछ बोल रही थी मंदाकिनी मैम। मंदाकिनी मैम हाँ सर, हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रही थी। हाँ सर, एक पेशेंट है, दिखाओ अपना, दिखाइए सर। मैं हाँ, वीडियो ऑन करिए। हाँ बोलिए सर। सर इनका इनका एक एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट के बाद सर दिख रहा है ये घुटना। हाँ हाँ, इनका एक एक्सीडेंट हुआ था, कब हुआ था? 30 दिसंबर, 30 दिसंबर को इनका एक्सीडेंट हुआ था। हड्डी में कुछ चोट तो नहीं आई? नहीं, तो वो एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद इनका क्या क्या हुआ बताइए आप बताओ, खुद बताओ। सर मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह और मतलब सारे चेकअप सारे नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड एक्सरे और जो भी चीजें थी सारी नॉर्मल आई। बट इसमें एक साइड में ना पता नहीं क्या हो गया, उसकी वजह से वहाँ पानी निकलता है इस जगह पे, ये सब खाली सा है, जैसे इंजेक्शन से हम बीटाडीन वगैरह भरते हैं इसमें, तो ये सब फूल जाता है अपना। और फिर वो जब आते हैं सवेरे ना ड्रेसिंग करने के लिए, तो यहाँ पे ये जो क्रस्ट टाइप का दिख रहा है ना, जो फॉर्मेशन हो गया है, वो उसमें से पानी निकलता है। तो वो क्या करते हैं, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं तो ये निकल जाता है, और फिर उसमें से कम एक चम्मच गाढ़ा गाढ़ा पीला पीला पानी सा निकलता है इसमें से सर। और इनको एम्स से वापस भेज दिया है, और कहाँ कहाँ से वापस भेजा है? जिला अस्पताल में दिखाया, वहां से भी मतलब मना कर दिया कि हड्डी में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है मास्क के अंदर है पानी वानी जो भी। कोई बात नहीं, आप सूक्ष्म त्रिपला और एकेटी दे दीजिए, अमृता गूगल कैशो गूगल त्रिपला गूगल। सर इनका इनका जो हेल्थ है ना शशि मैम, एक बार इनका, क्योंकि ये पड़े रहे बिस्तरे पे, अब इन्होंने खाया है, और अगर मैं बोलूंगी मेरे पड़ोसी है तो ये मानेंगे नहीं। शशि मैम एक बार आप हेतु समझा दीजिए इनको। शशि मैम आप बात करिए। ठीक है, हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? सचिन चौहान मैम। कितनी उम्र है आपकी? 25 साल। 25 साल है, तो ये जो घुटने की तकलीफ हुई, तो कितने दिन बेड रेस्ट किया है आपने? तो मैम बेड रेस्ट 2.5 महीने करीब। 2.5 महीने बेड रेस्ट रहा है जी। मैम सर में भी दिन है इंजरी, काफी चोट थी। इस 2.5 महीने में क्या क्या खाया पिया है आपने? मैम खाने में अंडे बताए थे डॉक्टर ने, पनीर बताया था, और ग्रीन वेजिटेबल्स बस। अच्छा, और जब आप बेड पर थे तो ऐसा है कि चलते फिर तो रहे ही होंगे ना घर पर, सिर्फ ऑफिस जॉब नहीं करने जा रहे होंगे ना? नो मैम, थोड़ा बहुत चल रहा था, बिल्कुल नहीं चल रहा था, मतलब ऐसा था कि कंटिन्यू 1 महीने तो कंटिन्यू बेड पे ही था प्रॉपर तरीके से। सर अगर 1 महीने कंटिन्यू बेड पर रहे और एक पनीर और अंडे भारी भारी चीजें खाई, तो क्या आपकी डाइजेस्टिव फायर अलाउ करेगी उस चीज को खाने के लिए? नहीं अलाउ करेगी, क्योंकि जब इंसान स्टेशनरी हो जाता तो चीजें पचती ही नहीं है। तो अभी आपको मैडम जो बताएंगी ना खाने पीने का, आप वैसा खाना ये मत सोचना। अब जैसे मान लो हम काजू खाते हैं, ठीक, बड़ी सिंपल सी बात है, बट मेरी जो अग्नि है मतलब जो पचाती है खाना, वो काजू को पचाने लायक नहीं हो, वो पता चला ऐसी हो कि खिचड़ी दलिया नहीं पचा सकती, तो वो जो काजू है ना उसके लिए डस्टबिन वाला काम करेगा, कचड़े का काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ये फायदा करता है, ये फायदा करता है, वो बहुत अच्छी बात है, पनीर फायदा करता है, अंडे फायदा करते हैं, ड्राई फ्रूट्स फायदा करते हैं, लेकिन किसके लिए? जिसकी अग्नि उस लायक है कि वो जो खाए, जैसे बहुत अच्छे बच्चे पढ़ाते हो ना, तो उस अच्छे बच्चे को तो टीचर ने पढ़ाया समझ में आता है, कोई गधा हो और टीचर सोचे कि नहीं बड़ी बड़ी चीजें पढ़ा दूं, और जिसको बेसिक नहीं आते होंगे तो बाहर ऊपर वाली चीजें समझ पाएगा नहीं ना, ऐसे बॉडी की हालत होती है। तो चूंकि हमारा सेशन का टाइम हो चुका है, तो आप ऐसा करना एक बार कल आ जाना, कल मैं आपसे डिटेल बात करूंगी, और फिर हम निकालने कोशिश करेंगे कहाँ कहाँ से क्या क्या गड़बड़ियां हैं, ठीक है? आपका जैसे डाइजेशन ठीक होगा, क्योंकि सोचो घाव मुझे इतना बड़ा दिख नहीं रहा है, और 2.5-3 महीने बाद भी आप परेशान हैं, इसका मतलब है कि आपकी डाइट के अंदर परेशानी है, जिसकी वजह से ये हील नहीं पा रहा है, और अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो हील हो जाएगा जल्दी से, ठीक है? ओके चलिए, मंदाकिनी मैम कल इन्हें बात करते हैं ना। थैंक यू गुड इवनिंग मैम, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है ना। नहीं मैम कोई नहीं, बस इतना ही, मतलब मैं इनको बोलती ना तो एक पड़ोसी होने के नाते ना, तो थोड़ा सा वो रहता है अरे क्या बोल रही है। हाँ मैम वो होता है, पता है घर वाले इंप्रेशन जाता है मैम, ऐसा कुछ नहीं आता विश्वास का। आप दोनों बहन लगती है की छोटी बड़ी बहन है। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, थैंक यू प्रणाम, अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू शशि मैम, थैंक यू प्रणाम सर।